मोबारक रसवा गाड़ी के चुनिया में सानी के पुआ पकावे। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे आशा करते हैं मस्त स्वस्थ प्यारा से घर में खुश होंगे। हाँ दोस्तों, दादी बता रही थी आज महुआ चुन के पुआ रोटी पकाएंगे। हाँ दोस्तों, तो दादी पहले ही बता रही थी हम लोगों को कि उन लोग के टाइम पे जब उन लोग छोटे छोटे थे तभी बोल रहे थे कि हम लोग का मम्मी पापा से महुआ का बहुत सारा कुछ बना बना के हम लोग को खिलाते थे। महुआ बॉयल करके खिलाते थे, महुआ का पुआ पका के, महुआ का छिलका रोटी बना के, तो इसी तरह बता रही थी। तो हम लोग सोचे क्यों ना हम लोग भी बनाया जाए। हाँ, पूर्वज जमाना यानी पहले ज़माना का खाना उन लोग खाते थे उसी तरह हम लोग भी बनाएंगे। तो चलिए आज महुआ का हम लोग छिलका रोटी बनाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग खाना पीना खा लिए हैं और मम्मी पापा सब भी खा के अभी बिछने के लिए चले गए हैं और हम लोग भी अब जा रहे हैं। और देखिए, इस तरह पहले ही हम लोग लाए थे वो वाला भी दिए। हाँ, घाट के अभी पसार के छोड़ दिए हैं, यहाँ पे सूखेगा। तो चलिए जी हम लोग, है ना। हाँ चलिए। तो दोस्तों, हम लोग आ गए महुआ का पेड़ के सामने और देखिए वो वाला बीच रहे थे मम्मी पापा। तो अभी पापा देखिए महुआ लेके जा रहे हैं अभी, और बिछना है। हाँ, ये वाला बिछना है। तो अभी इधर मुकेश बिछ रहा है देखो, और उस तरफ दादी। तो चलिए अब हम लोग यहाँ यहीं पे हम लोग का पथिया है। तो चलिए एकदम फटाफट बिछे जाए ना। और यही वाला महुआ रखेंगे और इसी को हम लोग बनाएंगे। हाँ दोस्तों, वो वाला पेड़ बीच लिए हैं और देखिए टोकरी में लेके जा रही है अब सुखाने के लिए। तो जाइए घाट के आ जाइए। और अभी ये वाला दोस्तों, ये वाला महुआ का पेड़ अब बीचेंगे। तो ये वाला ज़्यादा नहीं गिरा है, इसको अब चलिए चुनते हैं अभी। तो दोस्तों, हम लोग महुआ चुन के आ गए हैं और देखिए दादी, हाँ दादी एक पथिया में महुआ लेके लाई है और देखिए यहाँ झील रही है और दादी ही बनाएगी छिलका रोटी। तो दादी कौन सी बनाए थे वो? महुआ भूंजी के लाठा कुटी के ढेकी में। अच्छा, तो पहले पूरा महुआ टन के मतलब लाठा ढेकी में। तो दोस्तों, जो ढेंकी हम लोग को मतलब देसी मिक्सी जो पैर से दबाते हैं उसी को मतलब ढेंकी बोल रही है। तो ढेंकी से मतलब कुटी कुटी खाए ना। हाँ, कुटी कुटी खाए लिए महुआ का जोड़ा भूंजी के मेथी कुद्रुम भूंजी के यार मेसाई के यार लाठा कुटी के यार खाए लिए। ओ, आरो किना किना बना है? खाली छिलका रोटी यार? छिलका रोटी पुआ। अच्छा, तो पुओ बना? हाँ, सिजाई के आर थी रसवा गाड़ी के महुआ रसवा गाड़ी के चुनिया में सानी के पुआ पकावे लिए। ओ, तो ओहटा कहियो बनाए देबे? हां हां बनाइबे। हां दोस्तों, तो दादी मतलब और भी कभी बनाएगी पुआ रोटी तो बहुत ही मस्त लगेगा। तो चलिए अभी झीलते हैं इसको फटाफट। हाँ। देखिए इतना सा लाई है, इतना सा झील लिए हैं। अरे रे, उठो उठो उठो, काहे गिर रही रे? अरे ऐसा नहीं लगा? देखो ना उधर, उधर देखो देखो। हां नहीं लगा है। चलो अब झीलो महुआ, झीलो है ना। आज छिलका रोटी खिलाएंगे तो चाल छिली दियो फटाफट। हाँ हाँ, चार छिलवाई तबे तक हम चार फूने के लिए दे दे। अरे खनाई काठी धराई गई तखन। हाँ, तो इटा चारो फूले दिए है? तो हाँ, चार फुलाओ फुलाई दबे यार, भाप भई यार, तू तक कुटी के पकाए भई छिलका रोटी। ओ, तो जाओ जी जाओ, चावल छिल फूलने दे दो। हाँ जा रहे। तो चावल फुलाई दो। हाँ हाँ, तो अरवा चावल ना, उसमें चावल अरवा चावल नहीं, अरवा चावल नहीं। और अरवा चावल तो जाओ जाओ फूलने के लिए दे दो, है ना। हाँ। तो देखिए दोस्तों, अब खुशी मम्मी जा रहे हैं अरवा चावल फूलने के लिए देने, और हम लोग अब छीलते हैं हम और दादी दोनों मिलके, और खुशी भी रहेगी देखिए। तो चलिए झीलते हैं फटाफट। तो दोस्तों, हम लोग पूरा महुआ झील लिए हैं और देखिए अच्छा अब हाँ अब धोने के लिए जा रही है। तो धोइए जी एकदम, दो तीन बार धोइए एकदम, और भाफिए, है ना। तो दोस्तों, हम लोग धोते हैं उसके बाद भाफेंगे, भाफेंगे उसके बाद तब तक हम लोग का चावल भी फूल जाएगा तो उसको भी पीसना पड़ेगा। तो चलिए धोइए, है ना। हाँ। देखिए अब महुआ को धो ली है अच्छी तरह से और अभी भाफने के लिए लाई है। तो देखिए अभी आग जला भी लिए। हाँ, जला भी लिए और दादी भी साथ में है तो दादी बता रही है। तो अगे आप जलाओ लेगो, आप पनिया दे दे। पनिया? हाँ पनिया दे दे। तो देखिए दोस्तों, अब हम कढ़ाई में पानी डाल दे रहे हैं, इतना में भर जातो? हाँ भर जातो, और महुआ डाल दे दे। और देखिए दोस्तों, महुआ जो झीले थे उसको यहाँ डाल देते हैं। तो देखिए अब यहाँ डाल दिए, ढाप देंगे। हाँ सब ढाप ही देंगे। हाँ। अब देखिए दोस्तों, इसको आप ढक दिए। हाँ, अब आराम से इसको आप भाफने के लिए छोड़ देंगे।
आप सीतो ओकर बाद ओकर बादे ओटा सीतो तकर बादे पल्ला ढारी दे भाग हां आ चौरुआ यार महुआटा हां दई के पीसी के आ छिलका रोटी पकावा ओ तो मतलब एथिया में हां ई लोरी सिलेट हां लोरी सिलेट में पीसी ले भाग आ राय नून हर दे ले भाग मार मसाला हां आ पीसी के आ चार पापा पकावा ओ तो महुआटा महु चार पा में हां तो दोस्तों वही जो हाँ तो जो छिलका रोटी को ही चारपा रोटी को बोलते हैं तो देखिए अब यहाँ भापने के लिए छोड़ दिए हैं तो रहने दीजिए कुछ टाइम होगा हाँ कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो ठीक है वो इसने कर भाई हाँ वह लेके कर भाई दोस्त बड़ी मजा लगता है बड़ी मजा लगता है हाँ बड़ी मजा अच्छा ठीक है आ भाई जा लोला भाव हाँ देखो ये हो आप पंजा फेंकी रहे और पीसी मसाई के और पीसी के हाँ इसको निकाल दे दोस्तों तो देखिए दोस्तों एकदम पूरा हम लोग का भफा गया है मौसम और देखिए अभी निकाल रही है पूरा लाल होकर भफा गया हाँ तो निकाल लीजिए फटाफट हाँ निकाल देंगे और सारा महुआ निकाल ली दोस्तों और देखिए तो जाइए जी अब चावल है उसको थोड़ा देखिए है ना हाँ, इसको उतार रखेंगे उसके बाद देखने के लिए चावल फूला कहीं हाँ तो लेके और चलिए फटाफट पीसी है ना तो दोस्तों देखिए लेके आई है तो फूला जी हाँ जी फूल गया तो पिसाएगा ना हाँ पिसाएगा तो चलिए पीसिए दोनों मिला के अब जा रहे दोस्तों सिलपट्टी में पीसने हाँ चलिए हाँ तो दोस्तों हम लोग के किचन रूम यही वाला है तो इसी में है। तो बाहर निकाल दे सिलपट्टी नहीं मैं ठीक होगा जी नहीं ठीक होगा हाँ तो चलिए दोस्तों अब यहाँ थोड़ा अंधेरा है तो यहीं पे पीसती है एकदम फटाफट देखिए दोस्तों चावल यहाँ रख देते हैं उसके बाद महुआ भी रख देंगे और दोनों मिला के पीसेंगे अच्छा से अब पीसने जा रहे हैं दोस्तों मेरा पिसा हो गया चावल भी पिसा लिए पीस लिए अच्छा तरीके से अब महुआ भी पिसा हो गया अब ले चलते हैं पकाएंगे और सिलपट्टी से पूरा एकदम पीस के ले आई है एकदम चावल और महुआ और मसाला भी लाई है हल्दी नमक ताई भी ले लाए हैं ताई भी लाई है हाँ तो ठीक है चढ़ाइए हाँ इसको चढ़ा दे रहे हैं तो देखिए दोस्तों अब ताई भी कर रही है तो मसाला डालते है वो हाँ वो तो मिठाई टा लागत और मसाला डाल में कैसे मीठा लागत ओ महुआटा में महुआटा मीठा लाग गइला महुआटा का तो पन्ने फेंकी देल हक सब तो कहां ले मीठा लागते ओ तो मसाला धमक तबे ने ओ तो महुआटा के भाप ले तूने सब मीठा ड हटी गेल सब चली गेल ओ तो ठीक है जी मसाला दीजिए तब हां इसको मसाला डाल देने जा हां तो दीजिए तब मसाला और हल्दी नमक सबे देतो हां सब नून हरदी मसाला सब दह ओ और छिलका रोटी अच्छा पकावा थे में ताई में ओ तो ताई वा एकरे में ने हां तो चलिए पकाइए हाँ तो इसने बताई देवे है ने हाँ तो सोबे तो डाली दे लियो सोबे का डाला हाँ हल्दी डाल देने हाँ डाल दो डालने बोल रही तू डाल दो तो देखिए दोस्तों और धनिया पत्ते डाल दे ले बस लागतो मसाला दे ले कसन सब लागतो तो मसाला दे दे लियो धनिया पत्ते पनिया पनिया नहीं धनिया पत्ते धनिया पत्ते धनिया पत्ते हाँ धनिया पत्ते दह दह धनिया लागे दे एकर ओ लागे तो ला दे जी धनिया पत्ता लाइए ना जी डाल देते हैं तो दोस्तों थोड़ा धनिया पत्ता दे देंगे तो और भी टेस्ट लगेगा तो चलते हैं थोड़ा धनिया पत्ता लाते हैं इसको मिला दे रहे हैं हाँ मिलाइए हम लाते हैं हाँ जाइए दोस्तों हम धनिया लेने आ गए हैं और देखिए पापा इधर अभी सिंचाई कर रहे हैं तो यहाँ गाजर बारी है और इस तरफ धनिया लगाए हैं तो चलते हैं धनिया को लेते हैं देखिए एकदम ताज़ा ताज़ा है थोड़ा सूख गया है इसलिए पापा उधर पटा रहे हैं देखिए तो चलिए एकदम तोड़ते हैं तो देखिए धनिया पत्ता ले लिए अब चलते हैं तो दोस्तों धनिया पत्ता ले आए हैं एकदम धो धा के तो लीजिए जी हाँ दीजिए हाँ एकदम धो के ला दिए हैं एकदम फटाफट डालिए है ना हाँ। इतना आना है कम है हल्का सा देंगे जी कते दफा तो आर दिए दाए ने धनिया कमी है दीजिए एकदम फटाफट हाँ तो देखिए दोस्तों धनिया पत्ता डाल रही है एकदम दोस्तों धनिया पत्ते डाल दिए और अच्छा से मिला ली है रस्ता भी गर्म हो गया है तो देखिए अब तेल खास हो जा रहे हैं हाँ तो देखिए अब तेल खास इसमें खास देगी ताकि हम लोग का जो चिपकेगा नहीं हाँ चिपकेगा नहीं और देखिए अब डालने जा रही है एकदम हाँ अब डाल देने जा रहे हैं तो देखिए दोस्तों अब डाल रही है एकदम अच्छा से मस्त एकदम बन रहा है जी ना रुकिए ना इसे कर देंगे तो नहीं होगा इधर उधर कर दीजिए ओ दादी बता रही है कैसे करके घुमाना है देखिए दोस्तों पक गया है देखिए उल्टा रही है
हाँ तो देखिए आप पलट दी तो दादी ठीक है वो हो। हाँ तनी दली दली है वो तनी पात्रा के दली दली तो मैं नहीं सब घूरा के डट जाने तो दली दली है जाए दली तो इसने बताए भी ना तो यहाँ कैन बता दे जाओ। हाँ तो इसने बताए दही तेरा पाक लो देखिए दोस्तों वो अब निकाल दी अब फिर से आप चल डालने जा रही है। हाँ। देखिए आप चल डाल दी ऐसे करके पकाएंगे सादे। हाँ तो देखिए अबरी बताए दही कैसा देता हूँ छिरिया की दही अबरी सब घुरा की दही पातला से। हाँ तो पतला से एकदम दे। हाँ डटिया छिरिया हो गए। हाँ डटिया से थोड़ा थोड़ा ये करो। हाँ कर रहे थे दादी खाना थोड़ा मानेगी ना थोड़ा अच्छा से कितना अच्छा सिखा रही है। हाँ इसने पातर। हाँ भाई गलो पा अच्छा इसने पातर पातर तो वैसे। हाँ तो देखिए दोस्तों दादी बता रही इसी तरह पतला पतला छिलका रोटी बनाने से एकदम टेस्ट अपना अच्छा लगेगा। तो देखिए ये पक गया है और ये वाला चढ़ा दी है और ये देखिए इसी तरह करके हम लोग पकाएंगे है ना जी। तेरी सिखाई भी ना तो चलिए जी पकाइए है ना। तो चलिए दोस्तों इसी तरह करके एकदम पकाते हैं फटाफट हम लोग है ना जी। दोस्तों फाइनली हम लोग का पूरा एकदम पक गया। हाँ छिलका रोटी हम लोग का पक गया और खुशी सोई थी तो खुशी भी उठ के आ गई था खुशी खाने के लिए। हाँ तो खुशी पहले भी जानती थी कि रोटी पक रहा है इसीलिए आ गई है खाने के लिए। और दादी देखिए वहाँ बैठ बैठ के अभी पेड़ हम बैठने के लिए गई है। और दोस्तों देखिए मौसम ऐसा अभी कुछ टाइम में मतलब मौसम ख़राब था अभी सूरज उग गया है और देखिए अभी धूप है और बारिश हुआ था तो अभी देखिए हम लोग चूल्हा के सामने कैसे अपन ऊपर खबर हो गया है। तो चलिए आज इस चूल्हा को यूज किए थे फिर खाना बनेगा आज से फिर यहीं पे है ना जी। हाँ, ये बनेगा। तो चलिए टेस्ट कीजिए कैसा लग रहा है। हाँ, तो पहले ये सब उतार दीजिए ये सब रख लेते हैं उसके बाद टेस्ट करते हैं। अच्छा ठीक है रखिए सारा कुछ अंदर कर ली है अब जा रहे हैं अब रोटी खाने अब देखते हैं महुआ का कैसा एकदम लगता है। तो दीजिए पूरे खाएंगे। हाँ जी अभी रख दीजिए ना पापा उन लोग आएंगे उसके बाद खाएंगे उन लोग खाएंगे तभी खाते हैं ना। अच्छा ठीक है चलिए रख देते हैं। हाँ तो तुम क्या खाइए उसी में आधा ले लेंगे। अच्छा पापा सब आएंगे तो फिर एक साथ खाएंगे बैठ के। हाँ तो देखिए खुशी और दादी के लिए एक और हम दोनों के लिए एक और रखे हैं मम्मी पापा आएंगे उसके बाद खाएंगे तो अच्छा लगेगा है ना जी। कैसा लगा बहुत अच्छा लगा। खाओ दादी खाए के बताओ कैसा लग लो हमें बनाओ का गिरा रही है मुर्गी हटो। तो चलिए दोस्तों अब खा के देखते हैं और आप लोग भी आइए आप लोग के लिए एकदम यहाँ पे है एकदम आप लोग को भी मिलेगा महुआ का छिलका रोटी क्या जी। हाँ तो देखिए दादी खा रही है रखा हुआ है। हाँ तो रखा हुआ है आप लोग भी आइए एकदम मिलेगा और अच्छा लगा ना बहुत अच्छा लगा जी। खिलाओ 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 देखिए खुशी को नहीं दिया तो खुशी रोने लगी। तो दोस्तों खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग कभी भी नहीं खाया था महुआ का रोटी तो आज पहली बार हम लोग खाने जा रहे हैं हम लोग महुआ का छिलका रोटी। तो चलिए अब खाते हैं हम लोग है ना जी और आप लोग भी आइए आप लोग को भी मिलेगा। दोस्तों देखिए अभी मम्मी पापा सब आ गए हैं पापा भी पानी पटा के आए हैं और मम्मी भी बकरी चरा के आ गई तो हम लोग जो महुआ का छिलका रोटी बनाए थे वो सब देने जा रहे हैं दे दीजिए जी। तो दादी का खाई है फिर भी दादी को दे रहे हैं मम्मी को दे दो और पापा को पापा को भी दीजिए और खा के बताइए पापा महुआ का छिलका रोटी कैसा लगा। खुशी का बांटा खुशी खा लिए पहले फिर भी मिलेगा अभी वो आप ही दीजिए चलिए रखिए चलो हम लोग दोनों एक ही में खाएंगे। हाँ सीधा रहो खिलाइए और खा के बताइए मम्मी कैसा लग रहा है महुआ का छिलका रोटी खाइए। तो देखिए दोस्तों मम्मी पापा को दे दिए हैं दादी तो पहले भी खाई है लेकिन अभी वो अब खाएगी तो खाओगे तो खाओ कैसा लग रहा है पापा सवाल टेस्ट है बहुत अच्छा लगता है। इसमें चीनी डाला है क्या नहीं तो हल्दी मसाला वो महुआ कांस में थोड़ा चीनी टाइप लगता होगा ठीक है ना। ठीक है तो अकेले खाने के लिए खोज रही है वो खाएगी ना तभी भी खाई थी एकदम पूरा खाओ 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 खाओ। तो चलिए दोस्तों अब मम्मी पापा को खिला दिए और एक मुकेश के लिए है क्या मुकेश अभी किधर गया है तो मुकेश को भी मिलेगा तो रख दीजिए हम अभी बाद में खाएंगे है ना। हाँ। तो
तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं पे रखते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।